नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जबरदस्त तरीके से तेज हो गया है। भाजपा अपनी पूरी ताकत वहां लगा रही है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान ने सत्तारूढ़ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर बड़ा वार किया है। आज झारखंड के गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित नामांकन जनसभा को संबोधित करते हुए शिवराज ने जनता से भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर प्रहार किया। शिवराज ने कहा कि द्रौपदी के अपमान पर महाभारत हो गया और कौरवों का विनाश हो गया था। सीता माता के अपमान पर रावण का खात्मा हो गया था। उन्होंने कहा कि बहन बेटियों का अपमान करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के पाप की लंका को भाजपा के कार्यकर्ता राख कर देंगे। कांग्रेस पर वार करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले नफरत के सौदागर हैं। वे रोज माँ बहन बेटियों का अपमान करते हैं। लेकिन याद रखो, इरफान अंसारी और हेमंत सोरेन, बहन द्रौपदी के अपमान पर महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया। एक सीता माता के अपमान पर रावण का वंश सहित खात्मा हो गया था। सीता का अपमान, मां सीता का अपमान करने वालों का क्या हुआ, ये सारी दुनिया जानती है। और इसे मैं आज कह रहा हूं, बहन बेटियों का अपमान करने वाले जेएमएम और कांग्रेस की लंका, पाप की लंका को जला के भाजपा की कार्यकर्ता राख कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं चुनाव। लेकिन मेरी बहन और भाइयों, ये जेएमएम और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए झारखंड सुखी नहीं रह सकता। आज क्या हालत हो गई, यहां वरिष्ठ नेता मेरी बहनें भी मंच पर बैठी हैं। जेएमएम की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आज लगातार रोज बहनें अपमानित की जा रही है। बहनों का सम्मान सुरक्षित नहीं है। ये राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूं, मोहब्बत की दुकान, और झारखंड में उसकी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं इरफान अंसारी। ये मोहब्बत की दुकान चलाएगा, ये नफरत का सौदागर, ये रोज मां और बहन बेटी का अपमान करने वाला। अभी हमारी बहन श्रीमती सीता सोरेन जी, उनके बारे में क्या कहा इसने, कौन है श्रीमती सीता सोरेन? शिवू सोरेन जी की बहू, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी और यहां के मुख्यमंत्री की आदरणीय भाभी लगती है। भाभी को हमारे यहां मां का दर्जा दिया जाता है। मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इरफान अंसारी अपमान करता है, उनके बारे में जो शब्द कहे मैं कह नहीं सकता, सभा में मौन है। बहन सीता का अपमान होता है और उनका देवर मुख्यमंत्री मुंह में दही जमाए बैठा, एक शब्द मुंह से नहीं निकलता, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ हेमंत सोरेन। कहते कुंभकर्ण ऐसा था जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था। जब 6 महीने जगता था तो कहते थे वो खाता ही रहता था। लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस के कुंभकर्ण तो 12 ही महीने खाते रहते हैं। ये सीमेंट खा गए, ये बालू खा रहे हैं। बताओ बालू मिल रही है क्या? मैं आपसे बोल रहा हूं, बालू मिल रही है क्या मकान बनाने? जोर से बताओ, मिल रही है क्या? ये बालू खा रहे हैं, ये पत्थर खा रहे हैं, ये गिट्टी खा रहे हैं, ये कोयला खा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां से गरीब कल्याण योजना का फ्री में राशन भेजते हैं, ये हेमंत सोरेन की सरकार तो गरीबों का राशन भी खा गया। नहीं मिल जाता रहे कई जगह, आज ये अखबार गरीब को राशन नहीं मिल रहा। इधर मोबाइल करो तो। मेरी बहनों, ये पानी का पैसा खा गए। जनजीवन मिशन नरेंद्र मोदी जी ने बनाया,
मेरी बहनों के लिए पानी भरने बाहर नहीं जाना पड़े, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, नल खोले तो धर धर गांव में भी पानी आ जाए, इसलिए हजारों करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। लेकिन बताओ गिरिडीह वालों, यहाँ के गांव के हर घर में नल लगा क्या? जोर से बोलो, लगा क्या? नल का पैसा कौन खा गया? जोर से बताओ, कौन खा गया? हेमंत सोरेन, उनके मंत्री ये पैसा खा रहे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, गरीबों के जाता मनरेगा का पैसा मजदूरी का, अरे और तो और शर्म करो, तुम तो मजदूरों की मजदूरी का पैसा भी खा गए, ये मजदूरों की मजदूरी खा गए, पैसा क्या कर रहा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।